क्या हो रहा है लक्ष्य भाई? यहाँ पे ये क्या कर रहा है? बच्चा थोड़ी है तेरा। क्या हो रहा है लक्ष्य भाई? यहाँ पे ये क्या कर रहा है? बच्चा थोड़ी है तेरा। क्या खरीदा है ये क्या है? अच्छा, आप अंकल के लिए है? झूठ बोल रहा है। ये दिखा दे भाई, ये है ओल्ड मॉन्क। ऑल दो मैं रिकमेंड नहीं करता पीना, बट तूने तो बॉटल के लिए खरीदी है मेरे को लगता है। पीने के बाद इसको शोपीस हाँ, बना के रख, फ्रेंड्स को पिला दियो, खत्म करा दियो और इसको शोपीस बना दियो। चल बहुत बढ़िया है, मैंने तो यहाँ की सिक्किम की लिकर खरीदी, इसने यहाँ की खरीदी है। ठीक है, सही है यार, मतलब थोड़ा बहुत ड्रिंकिंग इन लिमिट्स इज फाइन, है ना भाई? सोशलाइज करने के लिए तो सभी पीते हैं आजकल। दिखा दे एक बार बॉटल पास से। ये लो भाई, देख लो जरा। गाइज, वी हैव कम बैक टू आवर रूम एंड भाई आज क्या क्या करा थोड़ा बता। आज हमने क्या करा? रोपवे, गैंग टॉप रोपवे, और फिर शॉपिंग करी। शॉपिंग अभी हम दिखा देंगे थोड़ी देर में। इसने कोरियन नूडल्स खरीदे जो यहाँ पे मिलते हैं, और भाई तूने अपने अपनी भांजी के लिए लिया। हाँ, कैप, भांजी के लिए कैप लिया, वो भी दिखाऊंगा मैं अभी। और इसने एक सिक्किम का वो एक खोलने वाला, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं कुछ, एक वो खोलते हैं, वो मैं दिखा दूंगा, यहाँ पे फोटो डाल दूंगा अगर मेरे पास है तो। उसने वो लिया। तो यार यहाँ पे शॉपिंग के काफी सारे ऑप्शंस हैं, बट मैं एक वीडियो बनाना चाहता था बिकॉज यहाँ पे सिक्किम में वैसे वी आर नॉट वेरी बिग ड्रिंकर्स, हम मतलब एक बियर या कभी वाइन ले लेते हैं, बट हियर इन सिक्किम यहाँ पे यार एक कल्चर में है इनके। हाँ, काफी काफी कल्चर में, और दैट इज ऑल्सो द रीजन वाई यहाँ पे आपको लिकर शॉप्स जो हैं वो हर जगह मिलेंगी। लाइक हर 10 मीटर 20 मीटर में आपको लिकर शॉप्स मिलेंगी, एंड यहाँ पे हो सकता है टैक्सेस पे नहीं होते हैं इसलिए यहाँ पे लिकर सस्ती मिलती है, समथिंग लाइक दैट। जैसे अपने दिल्ली में लिकर सस्ती होगी और यूपी में महंगी होती है बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन का लगता है, तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाती है, समथिंग लाइक दैट। आई माइट बी रॉन्ग, अगर हूं तो कॉमेंट कर देना, बट वी हैव बॉट सम थिंग्स। और बिफोर आई टेल दिस और दिखाऊं, मैं डिस्क्लेमर ये है कि भाई हमने ये अपने दोस्तों के लिए लिया है। हाँ, जो भाई थे जो चले गए अभी कैलमपोंग, एक दो चीजें उनके लिए ली हैं, एक दो चीजें इसने अपने फैमिली के लिए ली हैं, एक दो चीजें मैंने ली हैं, बट वी वॉन्टेड टू ट्राई इट एंड आपको बता दें कि कैसी है। सो वी हैव गॉट ऑल दीज थिंग्स, मैं आप धीरे धीरे करके बताऊंगा आपको कि क्या क्या है। दिस इज भाई, ये सिक्किम की सिंगल मॉल्ट विस्की है। अब विस्की मैंने इतनी ट्राई करी नहीं है तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट ये यार देख रहे हो आप, ये खुकरी के शेप में है। खुकरी क्या होती है भाई? गोरखाओं का वो वेपन जो तलवार के शेप में होता है, बट ये गोल्ड क्या कह रहा हूँ, ये खुकरी। अरे कहना क्या चाहते हो? ये नाइफ की शेप में है, नाइफ ही है। मूविंग ऑन यार, ये है चेरी ब्रांडी विच इज अ लिक्योर। आई थिंक ये फोकस नहीं हो रहा, दिस इज चेरी ब्रांडी, अब ये फोकस नहीं हो रहा, बट यू कैन स्टिल सी दिस इज चेरी ब्रांडी, इट्स अ लिक्योर, इट्स नॉट अ फुल अल्कोहल, बट ये अच्छा है। ये अनुरूप ने हमें ट्राई कराया था ना भाई, वी ट्राइड लाचुंग में बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड, तो उसने खरीदा था, वी ट्राइड इट। उसके अलावा दिस इज फॉर मी, दिस इज द ओनली थिंग फॉर मी, मैंने वाइन खरीदी, आई एम फॉन्ड ऑफ वाइन, तो दिस इज रेड वाइन फॉर मी। उसके अलावा ये भाई का अलग सेवन है, दैट इज हिज, ही इज टेकिंग हिज फॉर हिज फादर। उसके अलावा यहाँ पे ब्रांडीज काफी सारी हैं बिकॉज ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड, यहाँ पे लोग ब्रांडी प्रेफर करते हैं बिकॉज उससे गर्माहट आ जाती है फॉर सम रीजन। ट्रिपल क्राउन ग्रे ब्रांडी, एंड दीज आर वेरी चीप, ये कोई ज्यादा महंगी नहीं होती है ब्रांडी। मूविंग अलॉन्ग, दिस इज अनदर वाइन, एंड यार ये कितने की थी छोटी वाली, पता कितने की थी भाई? ये कितने की? 60 रुपए की, इतनी छोटी सी, मतलब एक ग्लास वाइन जो डेली वहाँ पे बहुत महंगी मिलती हैं। एंड दिस इज मस्क ब्रांडी, यार ये मैंने एक बार अपनी लाइफ में ट्राई करी है और मेरे को पता भी नहीं है, सो आई एम जस्ट टेकिंग इट फॉर माई फ्रेंड्स, बिकॉज आने से पहले मेरे फ्रेंड्स ने बोल दिया था कि यार
प्लीज ब्रिंग अस सम लिकर, बिकॉज यहाँ पे सिक्किम की अपनी लिकर बनती है और दिस इज फॉर सेल ओनली इन सिक्किम. आप यहाँ से बाहर एयरपोर्ट से ले जा सकते हो बट आपको सिक्किम के अलावा कहीं नहीं मिलेगी. इसके अलावा इनकी खुद की ब्रूरीज हैं भाई, सिक्किम डिस्टिलरीज और युकसाम ब्रूरीज. युकसाम इज अ रीजन इन वेस्ट सिक्किम, तो वहां की ब्रूरीज हैं, डिस्टिलरीज हैं यहाँ पे. और जैसे मैंने बताया था, इतनी लिकर वाइडली अवेलेबल है यहाँ पे कि इनके कल्चर में है. यू विल सी, जैसे हम अभी लिकर स्टोर में गए थे, एक माँ और बेटी साथ में आए थे ना खरीदने के लिए, और लिकर शॉप्स पे खुद यू विल सी विमेन सेलिंग लिकर. कहीं देखा है भाई तूने? हरियाणा में होता है? नहीं, हो नहीं सकता. नहीं. वो ऑब्वियस रीजन है बिकॉज अपने काफी रीजन ऑफ इंडिया में इट इज मेल डोमिनेटेड, कि कुछ भी झगड़ा हो जाए, कोई कुछ हो जाए, तो फिर यू नो देर इज अ गाय देर. अब ये कितनी सेंस बन रही है नहीं बन रही, आई डोंट नो, आई एम नॉट बींग सेक्सिस्ट, बट यहाँ पे इनका थोड़ा सा डिफरेंट है. ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे जैसे कुछ रीजन ऑफ द वर्ल्ड में और स्टेट्स में रिलीजन को बहुत बड़ा माना जाता है, ऑल्दो यहाँ पे भी माना जाता है बुद्धिज्म इज रियली बिग, बट दीज पीपल आर मोर ब्रॉड माइंडेड. इनका नैरो माइंडेड परस्पेक्टिव नहीं होता है, इफ दैट मेक्स एनी सेंस. अब भाई हम इतना तो कुछ खोलेंगे नहीं बिकॉज दीज आर फॉर फ्रेंड्स, ये हम खुद के पीने के लिए नहीं लाए हैं, एंड वी ऑल्सो डोंट ड्रिंक. हमने सिर्फ यहाँ की बियर ट्राई करी थी जो पिछले वाले ब्लॉग में होगी या इसी में होगी, आई डोंट नो, जब एडिट करूंगा तभी पता चलेगी, बट वी विल ट्राई दिस. मैंने ऑलरेडी खोल दी है, वी गॉट दिस स्मॉल वाला. वो दिस कम्स इन अ प्लास्टिक बॉटल एक्चुअली, ये करीबन 55 रुपीस का है. दिस इज साइनो रेड वाइन, तो ये ट्राई करेंगे. आई हैव ऑलरेडी पोर्ड सम फॉर मी, ये डाल दिया मैंने वाइन, एंड अजीब सा ही कलर है, मतलब कलर तो ऐसा ही होता है वाइन का, बट ये थोड़ा कोको कोला जैसा कलर है. क्यों भाई, तू वाइन ज्यादा नहीं पीता ना? पीता ही नहीं. तू पीता ही नहीं है, तू बियर ही पीता है कभी ना कभी. सेम हियर, वी डोंट यार, हम जो नहीं पीता खोल यार इसको, जो नहीं पीता यार प्लीज मत पियो, है ना भाई? कोई गलत सिग्नल नहीं देना चाहते. कैसी स्मेल आ रही है तेरे को? पता नहीं यार, पहली बार ही ऐसी स्मेल आई है. आई एम नूब. डाल डाल, चाय के कप में पी रहा है बेचारा. दूसरा जो कप था वो पूरा डाल ले, टेस्ट तो करूं कैसी है. हाँ चल, चीयर्स. साले हरियाणवियों की तरह कटक गया है. कैसी लगी? ठीक है. ठीक है, कुछ खास नहीं है ना. पैसा बर्बाद पे है, मतलब ग्रेप जूस, अब फर्मेंटेड ग्रेप जूस ही होता है तो उसमें क्या ही कह सकते हैं. दिस इज साइनो रेड वाइन, आई डोंट नो अब कितनी अच्छी है, बिकॉज वाइन के बारे में मेरे को भी इतना पता नहीं है. ऑल्दो आई हैव ट्राइड वाइन्स, फ्रेंच वाइन्स, इटालियन वाइन्स, वो यार बहुत महंगी भी होती हैं और वो भारी मिलती हैं अपना. दिस इज व्हाट यू गेट इन इंडिया. आई विल ट्राई इट. स्मेल तो ऑब्वियसली वाइन की जैसी आ रही है, बट आई डोंट थिंक दिस इज एज्ड मच, मतलब इसकी कोई ज्यादा मैच्योरिटी नहीं है. तभी इसका, इसके अंदर आई थिंक कलरिंग भी डाली हुई है. तो I don't know. Try करते हैं तब भी. Let's try it once. मतलब यार थोड़ा artificial सा flavor आ रहा है. But I think the other wine that we have bought, जो मैं अभी नहीं खोल रहा, but this is Vasco wine. I think this is good. This was for 170 for 375 ml, and I think this is 12.5% alcohol by volume. सो ठीक है यार, खरीद सकते हो. दिस इज जस्ट शॉर्ट, मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी फॉर सम पीपल, बिकॉज यार ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी ने शायद नहीं कवर करी हो. क्यों भाई, ये यार ये डेकोरेशन पीस के लिए यूज करोगे? आई डोंट थिंक पीपल विल इवन वॉन्ट टू ड्रिंक फ्रॉम दिस. दिस विल ओनली बी यूज फॉर डेकोरेशन. तो ये सही है. हमने ये व्हाइट वाइन भी ट्राई करी, दिस इज कॉल्ड रूचा, एंड यहाँ पे किससे ब्लेंडेड एंड बॉटल्ड बाय कंचनजंगा डिस्टिलरीज एंड लिकर्स, एंड दिस इज पीच वाइन आई थिंक. यार अगर आपने भूटान की वीडियो देखी है ना भाई, भूटान लास्ट ईयर गया था मैं, वहां पे टाइफून चल रहा था उस टाइम पे, तो वहां पे आई हैड पीच वाइन जुमजिन करके है, और वो यहाँ पे भी मिलती है, बट वो इलीगली सेल हो रही है यहाँ पे जहां तक मेरे को पता चला है. दिस इज पीच फ्लेवर्ड वाइन, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है. मेरे को वाइन के बारे में इतना तो नहीं पता, बट जितनी ट्रांसपेरेंट होगी स्पिरिट उतना उसके अंदर मिलावट होती है. किसी भी स्पिरिट में थोड़े से ग्रे, थोड़े से क्रिस्टल्स और थोड़े से दिखने चाहिए. अब आई डोंट नो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन अल्कोहल,
तो भाई ट्राई करते हैं, चीयर्स। और यार हम जानबूझ के छोटी सी बॉटल लेकर आए हैं, बिकॉज वी जस्ट वांट टू ट्राई इट। इसकी बड़ी बॉटल आती है, आई मीन लिटरली थ्री। क्या हो गया? और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से बड़ा थोड़ी है यार, ज्यादा सिप ले लिया। वी आर नॉट यूज्ड टू ड्रिंकिंग अल्कोहल इतना। दिस इज कितना एम एल है यार, ये छोटा सा बॉटल है, 180 एम एल है ये। तो अगर आप मतलब पूरा बॉटल था उनके पास 200 का, तो ये तो 50 रुपीज का ही आया। ठीक है यार, अगर आपको पीना है तो पी लेना, प्लास्टिक की बॉटल में वाइन तो मैंने पहली बार देखी है। बट लेट मी ट्राई इट, दिस इज पीच वाइन। ठीक है, नॉट बैड, थोड़ा सा स्वीट ज्यादा है मेरे हिसाब से, वाइन इज नॉट दैट स्वीट, बट ठीक है, दिस इज फाइन। आई थिंक दिस विल डू फॉर द अल्कोहल, ये सारा हम दे देंगे। जस्ट दिस वाइन आई एम कीपिंग लाइक आई सेड, बिकॉज मेरे को वाइन का शौक है। बट उसके अलावा यू कैन कम हियर एंड बाय इट, अदरवाइज यार नहीं पियो तो बेटर है। बट अगर पीना है तो आई वुड रिकमेंड देयर बियर, डांसबर्ग आती है। डांसबर्ग आई थिंक आउट ऑफ प्रोडक्शन जा चुकी है तो वो नहीं आती अब, और हिट आती है। हिट मैंने ट्राई करी थी इन अ बार 2-3 days अगो, सो दैट वॉज गुड। उसके अलावा भाई तेरा क्या कहना है, मतलब तेरे को ठीक लगी है या फिर? वाइन तो पहली बार ही पी रहा हूँ। वाइन पहली बार ही पी रहा है? हाँ, मतलब वाइन मैंने भी ट्राई करी है, मतलब मैंने तो बनाई भी थी रादर लॉकडाउन में, क्योंकि कुछ था नहीं करने के लिए तो भाई बना ली, और क्या कह सकता हूँ मैं। बट ठीक है, वाइन ठीक है। उसके अलावा अपने इंडिया में तो बहुत सारी वाइन वो है, नागपुर में बनती है मोस्टली सारी वाइन भाई, सोला विनियर्ड्स है, ग्रोवर विनियर्ड्स है, और बहुत सारी है, मतलब वहीं पे बनती है। और सिक्किम में अपनी वाइन बनती है, विच इज वेरी गुड। तो इसके अंदर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा है कि अगर ये वाइन पॉपुलर हो जाए और पूरे इंडिया में बिकनी शुरू हो एंड देन टू अनदर कंट्री, दैट इज वेरी बिग फॉर अ स्टेट, कि उनकी अल्कोहल बाहर बिक रही है, उनके जो स्टेट का रेवेन्यू आएगा वो बढ़ेगा, एंड ऑब्वियसली दैट विल बी गुड फॉर दैट स्टेट। बट एनीवेज वी'ल साइन ऑफ, आई थिंक दिस डज इट फॉर द अल्कोहल वाली वीडियो। ऑल्दो आई डोंट लाइक मेकिंग सच वीडियोज, बिकॉज मैं प्रमोट नहीं करना चाहता, बट इट्स अ बिग पार्ट ऑफ देयर कल्चर एंड आई वांट टू गिव यू द फुल पिक्चर। एंड कुछ लोग पूछते हैं, सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन फॉर देम। वी'ल साइन ऑफ, बाय बाय।